Hello, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to be able to welcome you to my YouTube channel. और आज हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो किसी भी भारतीय अल्फा मेल को शोभा नहीं देता, साफ सफाई। पर क्योंकि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, मैं ये काम अपनी वाइफ को नहीं दे सकता, तो इसीलिए आज मैं खुद ही अपना कंप्यूटर खोलकर साफ करने वाला हूँ। तो मुझे लाइफ में जो दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है वो है कार्स और कंप्यूटर्स। अब मैं अपनी कार को तो खोल नहीं सकता क्योंकि अगर वो वापस चालू नहीं हुई तो पप्पा मारेंगे, इसीलिए मैंने सोचा अपना कंप्यूटर ही खोल लेते। और एक मिनट, अगर कंप्यूटर फिर से चालू नहीं हुआ तो भी तो पप्पा मारेंगे। शिट, इस कंप्यूटर के सारे स्पेसिफिकेशंस में एक एक पार्ट तक पहुंच के बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम इसे खोल कर देखेंगे कि इसमें पिछले एक साल में कितना कचरा जमा हुआ है। अब मुझे कंप्यूटर साफ करने का कोई पुराना एक्सपीरियंस तो है नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पे गया था ताकि कोई ट्यूटोरियल देख लूं। और वहाँ एक एक फिरंगी लोग अपना कंप्यूटर दिखा के बोल रहे थे, Oh my God, did you know this computer has been sitting in my basement for over a year and I haven't touched it in an eternity. Holy Jesus, look at how much dust it has gathered. My God, it's so filthy in here. पर उनके कंप्यूटर्स एकदम चमकदार होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि एक असली डस्टी पीसी किसे कहते हैं। आहा, ये होता है खरा कचरा। तो मैंने ये सारे प्रोफेशनल टूल्स जमा किए हैं आज के ऑपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये सर्कल तुम्हें बताता रहेगा कि अगले Q&A के क्वेश्चन को कितना टाइम बाकी है। तो शुरुआत करते हैं इसके ग्राफिक्स कार्ड को लेकर, जिसके लिए ये दो स्क्रूज अनस्क्रू करने पड़ेंगे। ये GPU कौन सा है, इसमें कितना VRAM है, ये सब मैं थोड़ा आगे बताऊंगा क्योंकि मुझे इस पे एक जोक मारना है। Now let's start the Q&A. How much did the full setup cost? Favorite game and PC specs. तो मेरे कंप्यूटर का प्राइस है लगभग 35,000. मेरा जो मॉनिटर है वो एक टीवी है, उसका प्राइस है लगभग 16,000. डेल का मेरे पास एक लैपटॉप था तो उसी से रिलेटेड माउस ले लिया था, और कीबोर्ड लॉजिटेक का सबसे सस्ता वाला कीबोर्ड है। किसी भी कंप्यूटर पार्ट को मदरबोर्ड से निकालते वक्त उसे सीधा खींच मत लेना, वरना बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। हर कंपोनेंट के पास ऐसी एक लैच होगी जिसे तुम्हें अनलैच करना होगा। आह यस, द सैटिस्फाइंग क्लिक, और अब ये निकल जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा है? फेवरेट गेम, हाँ तो गेम्स, मैं कोई बहुत बड़ा हार्डकोर गेमर तो रहा हूँ नहीं, तो जो गेम्स खेलने में मुझे आज तक सबसे ज्यादा मजा आया है वो है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास और माइनक्राफ्ट। तो मेरी फेवरेट गेम रहेगी माइनक्राफ्ट। काफ़ी ज़्यादा फेमस आंसर होगा, पर देयर इज अ रीज़न कि वो इतनी सक्सेसफुल है, ठीक है? बहुत अच्छी गेम है वो। अरे ये ग्राफिक्स कार्ड अब तक अटका हुआ है, इसे थोड़ा हिला कर देखते हैं, फिर शायद निकल जाए। That's what she said. जे बात, देख के लग रहा है कि किसी किराने के दुकान की गोडाउन में पड़ा था। और हाँ, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस भी बहुत खेलता था। अरे क्लैश ऑफ क्लैंस से याद आया, क्लैश ऑफ क्लैंस में मेरा अपना खुद का क्लैन हुआ करता था, और उस क्लैन में मेरी पूरी क्लास थी। मैं उस क्लैन का लीडर था और मेरे पूरे क्लास में जितने भी लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे सब मेरे ही क्लैन में थे। हाँ, सारी लड़कियाँ भी। कितनी प्राउड बात है ना। और इसी के साथ हमारा ग्राफिक्स कार्ड हो गया है बिल्कुल चकाचक, और इसमें थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं अपने फाइन ब्रश के साथ। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इस कंप्यूटर को इतना गंदा क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे महंगे डेस्क लैंप से देखो कि इसमें कितनी ज़्यादा धूल जमी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ से नया कोविड का वेरिएंट निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्लीनिंग होगी इसके फैन की, तो इसके स्क्रूज को भी अनस्क्रू कर लेते। ओह वेट, पहले इसे पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लेते। तो इस आखिरी स्क्रू के साथ अपना गटर साफ करने वाला फैन भी बाहर आ गया। अपने जिंदगी के सबसे हसीन पल बताओ। ओह हो हो हो, क्या बात पूछ ली। तो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन और खुशनुमा लम्हे रहे हैं मेरी स्कूल लाइफ। हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी थी, खासकर 10th स्टैंडर्ड स्कूल का लास्ट ईयर।
मुझे लगता है मेरी लाइफ उधर पीक कर गई है, उससे ज़्यादा ऊपर उससे ज़्यादा खुश मैं कभी रहने वाला हूँ नहीं, इसलिए उसकी आज तक बहुत ज़्यादा याद आती है। आज भी मैं 10 में से 7 या 8 दिन अपने स्कूल के ही सपने देखता हूँ, इतने सालों बाद भी। मुझे पता नहीं स्कूल के बाकी क्लासमेट्स भी यही सोचते या फिर बस मैं ही उधर अब तक टिका हुआ हूँ दिमागी रूप से, पर हाँ स्कूल टाइम ही मेरे अब तक का सबसे बेस्ट टाइम रहा है। होम टूर प्लीज़। ओह यस, होम टूर द मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो ऑफ माय चैनल, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। इसके नेक्स्ट या इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में होम टूर ही डालूंगा, ठीक है? तो तैयार रहना, आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स बताओ और फ्यूचर गोल्स भी। ओ बाप रे, ये तो काफ़ी पर्सनल स्टार्ट हो गई Q&A की। तो मुझे 10th में मिले थे लगभग 75% और 12th में मिले 81%। मैंने 10th के रिजल्ट पे एक वीडियो भी बनाया, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। और फ्यूचर गोल्स, तो देखो मैं एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाला आदमी हूँ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैं भी बैठे बैठे 4-5 मिलियन फ्यूचर आउटकम सोचता रहता हूँ, इसीलिए चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो फिलहाल तो थोड़ा सा फ्यूचर का तो गोल है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी है जो सोचा वही हो। ओके, तो अपने फैन का काम भी हो गया और अब बढ़ते हैं इसके CPU हीट सिंक की तरफ। उसके लिए इस फैन को पहले मदरबोर्ड से डिसकनेक्ट करना होगा, लाइक दिस। नो प्रॉब्लेमो। कैन दिस PC रन GTA 5? यस इट कैन। लोग विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं है? अभी जब साफ सफाई के बाद इसे बंद करके फिर से चालू करेंगे तब मैं GTA 5 ऑनलाइन का अपना कार गैराज दिखाऊंगा, ठीक है? तो देखो, आई हैव GT 710 ग्राफिक्स कार्ड विच इज़ नॉट दैट गुड, बट आई वॉन्ट टू प्ले साइबर पंक ऑन इट। वॉट डू यू थिंक, विल सोसाइटी एक्सेप्ट मी? गरीब छी GT 710, छी गरीब। मेरे पास भी वही है। हाँ, तो मेरा GPU है NVIDIA का GT710 with 2GB DDR3 RAM actually, मेरा बाकी सिस्टम DDR4 है, और इस ग्राफिक्स कार्ड का OEM है Zotac, so cool। अच्छा भाई, क्या आपकी फैमिली को पता है कि आपने गोबर खाना छोड़ दिया है? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है, मैंने अब तक गोबर खाना नहीं छोड़ा है। अभी तक कितने चिल्लर कमा चुके हो YouTube से? शॉर्ट्स बनाने का प्लान है? तो पैसे कमाने का मैंने अब तक एड्स चालू तो किए थे, पर उससे कुछ 5,800 रुपये के आसपास कुछ जमा हुए थे, पर फिर मैंने एक दिन वो पूरा एडसेंस अकाउंट ही डिलीट कर दिया, तो वो पूरे पैसे चले गए। और हाँ, शॉर्ट्स बनाने के भी प्लान्स है, पर कुछ नॉर्मल ऐसे शॉर्ट्स तो बनाऊंगा नहीं मैं, कुछ फालतूगिरी करूंगा ऑब्वियसली, देखते कुछ ना कुछ बना लेंगे। और अगर मेरे CPU की बात करें तो ये है एक इंटेल i3-9100F। 91 का मतलब ये एक 9th जनरेशन प्रोसेसर है, और F सीरीज मतलब इसमें कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, मतलब इसे अगर अच्छे से चलाना है तो इसके साथ एक ग्राफिक्स कार्ड भी कंबाइन करना पड़ेगा। मेरी यूट्यूबर क्रश कौन है? मेरा यूट्यूबर क्रश तो ट्रिगर्ड इंसान है, कितना क्यूट है ना वो। याद रख, तू अब तक पॉलीब्रिज का नेक्स्ट पार्ट नहीं लाया, क्या तुम्हें सच में गेम प्ले वीडियोस वापस चाहिए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में, वो गेम प्ले अपलोड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, अगर सिर्फ गेम प्ले डालना रहेगा मैं हर तीन दिन में एक वीडियो डाल देगा। तेरी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड या क्रश कौन है? देखो, इस बात के 50-50 चांसेस है कि वो ये वीडियो देख रही है, क्योंकि हम स्कूल में सेम क्लास में थे, तो अगर मैंने यहाँ उसका नाम लिया तो उसका बाप मेरे को मेरे घर पे आके मारेगा। What is your age? Are you studying? If yes, then what? How do you manage YouTube? By a 11-year-old boy, Sai. तो Mr. Sai, मैं फिलहाल 18 years का हूँ, और नहीं, I am currently not studying anything. मैंने 12th standard के बाद college join तो किया था, एक साल मैंने first year complete भी किया, पर चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी, एक काफ़ी लंबी कहानी है, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं फिर से फर्स्ट ईयर से चालू करने वाला एक दूसरा कॉलेज, एक दूसरे कोर्स के साथ, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सजेशन रहेगा कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो वही पढ़ना जो तुम्हें पसंद है, ठीक है? इधर उधर से सबकी बात सुन के उससे इन्फ्लुएंस होके मत उड़ना कि इधर जॉब मिलेगी तो मैं वही पढ़ूंगा, इसमें ज़्यादा जॉब का स्कोप है, नहीं वो सब मत देखना। तुम्हारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तो वही पढ़ना। अब मुझे कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा हूँ।
अभी इस पे थोड़ा ओवरऑल डस्टिंग कर लेते। जॉनी डेप या एम्बर हर्ड? लेट्स सी। तो ये है जॉनी डेप और ये है एम्बर हर्ड। उलाला, आई चूज एम्बर हर्ड। ए, बेड पे नहीं हगने का, बेड पे नहीं हगने का। जॉनी ब्रो ही बेस्ट है। बेस्ट पीसी अंडर वन के बता दो टू ब्लू मैन। हाँ दिख दिख, मेरे पास ना ये बहुत छोटा सा एक कंप्यूटर है और इसमें 700 रुपए में तेरे कितना कुछ करके देगा। देख ये सब कुछ इसमें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारे कैलकुलस इंटीग्रेशन मस्त है ना ये। हाँ नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस क्वेश्चन का, मुझे बस दिखाना था कि मेरे पास एक महंगा कैलकुलेटर है। क्या इस पर पबजी मोबाइल चल पाएगा? हाँ इसमें पबजी मोबाइल पीसी वीसी सब चलेगा, ठीक है, ट्राई नहीं किया मैंने पर चलेगा। डू यू वॉच यूट्यूब? विच यूट्यूबर डू यू ऑफन वॉच दिस डिश? मैं अभी ज़्यादा यूट्यूब देखता हूँ नहीं, पहले मैं स्कूल में था तब पता नहीं कैसे दिन के 7-8-9 घंटे यूट्यूब देख लेता था, पता नहीं कैसे। अभी तो मुश्किल से 1 घंटा कुछ होता होगा। और मैं देखता क्या हूँ वो तो मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जितने भी चैनल्स हैं लगभग उतने ही, उसके आगे मैं नहीं जाता ज़्यादा। और एक आध कुछ होंगे लाइनस टेक टिप्स जैसा, पर ज़्यादा नहीं, इतने ही। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं फ़िलहाल 12th स्टैंडर्ड और 1st ईयर डिग्री कॉलेज के बीच में हूँ। वाई डोंट यू ट्राई गेमिंग? इट विल बी मोर फन बिकॉज योर कॉमेडी एंड योर फेस इज टू फनी। मेरा फेस फनी है? ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? कॉम्प्लीमेंट ही समझ लेते हैं। डू यू प्ले वैलोरेंट ऑन दिस पीसी? नहीं आई डू नॉट, मैं लगभग ज़रा भी गेमिंग नहीं करता इसमें। डू यू वॉच एनिमेज? नहीं मैं कोई एनिमे ना देखता हूँ ना देखता था। द क्लोजेस्ट थिंग डेट आई वॉच टू एनिमे इज शिनचैन। हाँ मुझे आज भी शिनचैन देखने में मज़ा आता है। विच कंप्यूटर कॉम्पोनेंट कंपनी? अ लिटिल अलिटरेशन हियर। आर यू मोस्ट ईगर टू टेक अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम? मतलब व्हाट फ्री कंप्यूटर पार्ट्स डू यू नीड? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और इससे स्पॉन्सरशिप और फ्री वाला पार्ट हटा देता हूँ। और लेट अस ऑल एक्सेप्ट कि मेरा ये कंप्यूटर एक काफ़ी लो एंड पीसी है, तो इसमें काम तो हो जाता है पर बस जैसे तैसे, पता नहीं कैसे। जब मैं गेम्स खेलने जाता हूँ तब GPU और RAM कम पड़ जाता है, और जब मैं एडिटिंग करता हूँ तब मुझे CPU और स्टोरेज स्पीड कम पड़ जाती है। तो अगर मुझे कंप्यूटर पार्ट्स खरीदने के पैसे मिले तो मैं इस ऑर्डर में ये चीज़ें खरीदूंगा। सबसे पहले तो एक SSD, और वो भी मैं इतने दिन SATA खरीदने का सोच रहा था, मुझे पता भी नहीं था मेरे मदरबोर्ड में एक M.2 स्लॉट भी है। अभी ये खोलने में पता चला कि वो भी इसमें डाल सकते हैं। That's what she said. और उसके बाद एक 8GB RAM स्टिक बिल्कुल इस वाले की तरह ही, और फिर जब बहुत ज़्यादा बजट आ जाए उसके बाद CPU और GPU की तरफ बढ़ेंगे। वैसे मैंने थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग करके रखी थी, इसलिए मैंने लेते टाइम सीधा DDR4 सिस्टम ही लिया, पर बदले में मुझे i5 से i3 पे गिरना पड़ा। क्या ये वर्थ इट था? यू आर नॉट अलाउड टू जज, थैंक यू, मेरी मर्जी। अरे मेन चीज़ तो भूल ही गया, RGB। तुम्हारे कंप्यूटर में जितने अलग अलग कलर की लाइट्स होंगी उतने ही गेमिंग में तुम्हें 5-5 एक्स्ट्रा फ्रेम्स मिलते हैं। अब हार्ड डिस्क निकालेंगे विद इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइनस टेक टिप्स। ये कुछ बहुत स्पेशल है नहीं, बस WD का सबसे जेनेरिक 1 TB वाला हार्ड ड्राइव है। हाँ दिक्कत तो बहुत देता है ये इसकी स्पीड के लिए, इसलिए एक SSD भी लेना है बाद में। तो इस हार्ड ड्राइव को भी करेंगे मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। इस बेचारे का हाल देखो, गर्मी की वजह से इसमें पूरा डस्ट चिपक गया है। कलर में डिफरेंस देखो कितना खतरनाक है। हाउ मेनी गेम्स आर देयर इन योर PC? द नंबर इज सरप्राइजिंगली लो माय फ्रेंड। अभी कंप्यूटर फिर से चालू करने के बाद एंड में मैं सारी गेम्स दिखाता हूँ, ठीक है? क्या आपने आर्शलेस साइमन सेल्स से प्रमोशन के लिए ज्वाइन किया था? और आप क्यों नीले नहीं हो? मैं क्यों नीला नहीं हूँ? ये कौन सा रेफरेंस है जो मुझे नहीं समझ रहा? और हाँ मैंने साइमन का सबरेडिट ज्वाइन तो सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए किया था, पर उधर मीम्स भी काफ़ी अच्छे आते तो वो भी देख लेते। प्रमोशन मतलब हर जगह जाकर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस ये सब नहीं करता मैं बस उधर जाके जो पोस्ट अच्छा लगता है उसके नीचे कुछ कमेंट कर देता हूँ और ये होप करता हूँ कि लोग मेरा नाम पढ़े और उससे फिर सर्च करें यूट्यूब पर। और कभी कभार रैंडमली वीडियोस के कुछ छोटे पार्ट्स भी पोस्ट कर देता हूँ कि अगर वो अच्छा लगे तो उधर से लोग शायद चैनल पर आ जाए। अपना हार्ड डिस्क फिर से एकदम चमकदार हो गया है, तो अब बारी है अपने कंप्यूटर के बेसमेंट की। अगर मेरे घर के बेसमेंट में इतनी धूल जमा होती तो वहाँ फंसे सारे बच्चे किसी बीमारी से मर जाते।
most important question. How have you grown your channel so quickly? Channel quickly grow तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मुझे याद है ये channel का account ही मैंने videos डालने के लिए बनाया था। तो मैं लगभग 7 साल से अभी videos डाल रहा हूँ। पुराने वाले सब private है अभी। लेकिन वो ज़्यादातर बस WhatsApp forward ही upload कर देता है इधर उधर से, तो उसे नहीं गिनते। मेनली तो मैं वीडियोस पिछले 5 साल से कुछ बना रहा हूँ। यूट्यूब पे कैसा रहता है ना, जो चैनल की मेन जो बूम वाली ग्रोथ होती है ना, वो कुछ ही दिनों के अंदर होती है। कोई भी चैनल जीरो से लेकर अचानक फेमस बस एक वीडियो के लिए होता है, एक वायरल वीडियो के लिए। पर वो एक वीडियो वायरल होने के लिए तुम्हें पिछले बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ भी ये हुआ था। अभी तुम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उनमें से लगभग 90-95% लोग इस वीडियो की वजह से आए होंगे, मेरे रूम टूर की वजह से। वो भी वो एक ही वीडियो था जिसकी वजह से मेरा चैनल हज़ारों सब्सक्राइबर्स हर महीने पार कर रहा था, पर उसकी टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। जैसे ही चैनल आगे बढ़ रहा था तभी सारे सब्सक्राइबर्स को जोड़े रखने के लिए मुझे वीडियोस अपलोड करने थे, पर तभी कुछ ही हफ्तों में मेरी बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रही थी 12th की। अभी मैं एक यूट्यूब चैनल के लिए अपने HSC की बोर्ड एग्ज़ाम को तो नहीं छोड़ सकता था ना, तो इसीलिए मैंने चैनल हल्का छोड़ दिया था। और जैसे जैसे टाइम जाता गया चैनल के सब्सक्राइबर्स डेड होते गए, इसीलिए आज मेरे लगभग 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं। फिर भी हर वीडियो में व्यूज 300-400 तक ही आते ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे कमाल की बात तो ये कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई कर रहा था, अपने चैनल को पूरा मरते हुए देख रहा था अपनी आँखों के सामने, और ये लोग बस एग्ज़ाम आगे शिफ्ट करते जा रहे थे। अगले महीने तो पक्का होनी है तुम्हारी एग्ज़ाम। फिर अगले महीने एग्ज़ाम होगी। ऐसे एग्ज़ाम खींचते गए फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड तक कभी कुछ भी फाइनल बताया नहीं। फिर अचानक एक दिन बोल दिया, ओ गाइस सॉरी आपकी एग्ज़ाम कैंसिल। तो जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने अपना पोटेंशियल करियर पूरा ख़त्म कर दिया वो लोग ने एंड में कैंसिल कर दी। कमाल। और ये तो मैं 100% श्योर हूँ वो टाइम पे अगर मैं पढ़ाई की जगह अपना चैनल देख रहा होता तो आज आराम से मेरे 40-50 हज़ार के ऊपर सब्सक्राइबर्स होते और मेरा यूट्यूब एक सक्सेसफुल डिसीजन रहता। काफ़ी लंबा खींच दिया नहीं ये क्वेश्चन, कोई ना, थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो काफ़ी सारा प्रोग्रेस हो गया है अपने PC क्लीनिंग सर्विस में। चीज़ें ब्राउन की जगह फिर से ब्लैक दिख रही है। गुड। साइमन और तन्मय, साइमन प्लीज। मैंने तन्मय के वीडियो देखे भी नहीं होंगे कोई, आज तक सब मिला के एक आधी देखा होगा वो भी रिसेंटली। यूट्यूब क्यों शुरू किया और मोटिवेशन कैसे मिलती है? मैंने वीडियोस डालना चालू कैसे किया पता है? मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से अपने पापा के फ़ोन में एक वीडियो ट्रांसफ़र करने जा रहा था तो मैंने शेयर के आइकन पे दबाया तो उधर YouTube का भी ऑप्शन आ गया। मुझे उससे पहले लगता था कि YouTube पे कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ता है, बहुत पैसे देने पड़ते हैं एक वीडियो डालने को या वैसा कुछ। मैं ज़्यादा तभी वीडियो देखता भी नहीं था तो मैं वो देखकर काफ़ी शौक हो गया और डाल दिया YouTube पे। और फिर मैं जितने लोग मुझे मिल रहे थे मैं सबको दिखा रहा था, वो ये देखो ये वीडियो ना मेरे फ़ोन में, ये वीडियो तुम्हारे फ़ोन में भी है, ये वीडियो उसके फ़ोन में भी है। तो इसी तरह मुझे पता चला कि YouTube पे आम लोग भी वीडियो डाल सकते हैं और मैं चालू हो गया। अब तक चल ही रहे, देखते कब तक चलता है। आपका नाम क्या है? आयुष्मान। खुद का नाम खुद लेके कितना अजीब फील हो रहा है। CPU में आलू किधर से डालते हैं? लाइक मिथपैट। मिथपैट का तो मुझे पता नहीं पर मेरे CPU में हम इस साइड से आलू डालते और उस साइड से सोना निकलते। जस्ट लाइक ओह अपने रैम को तो भूल ही गए। तो ये है एक 8GB DDR4 स्टिक और इसकी स्पीड है 2666 MHz। इसे ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है नहीं वैसे। अब फाइनली टाइम है कंप्यूटर को रीअसेंबल करने का और देखने का कि ये फिर से चालू होता है या नहीं। इसका चालू होना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं कितनी गालियां खाने वाला हूँ इसका कोई हिसाब नहीं। पहले लगेगा रैम, उसके बाद ये फैन, लेट्स स्क्रू द फैन। नेक्स्ट आया ग्राफिक्स कार्ड, हियर्स द सैटिस्फाइंग क्लिक। रीकनेक्टिंग द हार्ड ड्राइव, फैन को कनेक्टिंग विद पावर सप्लाई। अरे लाइट चली गई क्या? नहीं,
अभी मेरे फोन ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप रिकॉर्डिंग करना बंद करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं क्विक रिप्ले करके दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। ओके, इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्या ये कंप्यूटर फिर से चालू होगा? What? जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कंप्यूटर फिर से चालू नहीं हुआ और इस समय मेरे तशरीफ तले कुर्सी खिसक गई थी। मैंने फिर से बहुत कोशिश की इसे चालू करने की पर कुछ नहीं हुआ। मैं सारी उम्मीद हार चुका था, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना एक आखिरी ट्राई मार लेते इंटरनेट पे जाकर, और वहां पर आधे घंटे की रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि शायद मेरा कंप्यूटर एक स्टैटिक शॉक के झटके की वजह से बेहोश हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ बिना कुछ देखे सीधा बस उंगली डालते जा रहा था। क्योंकि ये चालू तो हो रहा था पर कुछ सेकंड्स बाद फैंस फिर से बंद हो रहे थे, तो फिर धीरे धीरे इसके सारे पार्ट्स निकालने पड़े और फिर वापस डालने पड़े। सब कुछ सारे कनेक्शंस ठीक से चेक किए, CMOS रीसेट करना पड़ा जिसके लिए मदरबोर्ड से ये बैटरी निकालनी पड़ती है, और फिर माई लवली लवली पीपल माई मशीन इज बैक। वैसे शायद अच्छा ही हुआ कि ये फिर से चालू नहीं हो रहा था और मैंने इसे खुद ठीक करके फिर से ब्रिंग बैक टू लाइफ किया, क्योंकि अभी मेरे और मेरे इस कंप्यूटर के बीच बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हैप्पी एंडिंग आई गेस। तो ये वीडियो बनाने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट या जो भी हो आजकल घंटी शंटी। बाय बाय।